सूरत में फैला बदमाशों का आतंक और सूरत बना अपराध की नगरी में आज हम बात करने जा रहे हैं सूरत के डिंडोली इलाके की। तो आपको बता दें कि सूरत में अभी बदमाशों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं लेता कि सूरत शहर में शराब के माफियाओं ने अपना सर उठाया है और सूरत का डिंडोली इलाका तो शराब का व्यापार करने के मामले में चर्चा का विषय बना है। सूरत के डिंडोली इलाके में शराब के माफिया इतने बेखौफ और बेफाम हो गए हैं कि अब तो जब चाहे तब किसी पर भी बिना किसी वजह शक के आधार पर हमला बोल देते हैं। ऐसा ही कुछ किस्सा डिंडोली इलाके में कल बना। सूरत के डिंडोली इलाके में नानू दयाराम नामक शराब माफिया जो शराब का व्यापार कर रहा था और किसी स्थानिक ने ये मंजर देखा, ऐसा शक शराब माफिया को हुआ, इसलिए उस स्थानिक युवक पर शराब माफिया नानू दयाराम द्वारा उसके पुत्र और पत्नी तथा शराब की हेराफेरी करने वाले एक युवक के साथ मिलकर उस स्थानिक युवक पर जानलेवा हमला करवाया गया और उसको जान से मार देने की कोशिश की गई। घायल युवक को उपचार के लिए सूरत के स्वीमेर अस्पताल में भर्ती करवाया गया और आगे की जांच डिंडोली पुलिस ने शुरू की है। कैमरामैन सादिक पठान के साथ संवाददाता परवीन पठान, क्राइम 7 न्यूज़ सूरत।